इंसान जब जंगलों में अपना घर बनाने लग गया तो जंगल के जो जंगली जानवर हैं वो अब इंसानों की बस्ती में आने लग गए हैं। उदयपुर की तो कई घटनाएं आपने सुनी होंगी कि पैंथर आ जाते हैं बस्ती में, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो है कि वहां पर भालुओं का राज है पूरी बस्ती में। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अपनी खूबसूरती और यहाँ की हरी भरी वादियों के लिए पहचाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ के वन्य जीव जो हैं वो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, ख़ास तौर पर यहाँ के भालू, क्योंकि यहाँ के जो भालू हैं वो जंगलों में तो रहते ही हैं लेकिन जंगलों के साथ साथ सड़कों पर भी उनका राज है, कई बस्तियों में घुस जाते हैं वहाँ उनका राज है। तो लॉकडाउन के चलते भालुओं की आवाजाही अब आबादी क्षेत्र में पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, वैसे तो हमेशा रही है लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो लोगों की आबादी कम हो गई। लोगों की आबादी कम हो गई तो फिर जहां लोगों की आबादी कम हो जाती है तो वहां भालू जैसा शर्मीला जो जानवर है वो भी आने लग जाता है, और अभी माउंट आबू के आबादी क्षेत्र में आए दिन यहाँ भालुओं की चहलकदमी देखने को मिल जाती है, कॉलोनियों में आसानी से दिख जाती है, दिन हो या रात हो भालू अपने बच्चों के साथ घूमते हुए नज़र आ जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें एक भालू अदर देवी की पहाड़ियों पर आसानी से फोटोशूट करवा रहा है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर द नेचर ट्रैकर रवि सिंधल का जब भालू से आमना सामना हुआ तो उन्होंने इसके फोटो क्लिक करे। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कितने आराम से फोटो शूट करवाने के अंदर ये मशगूल है। इस वन्य जीव अभयारण्य में दुर्लभ पौधे भी 326.099 हेक्टर किलोमीटर में फैले हुए हैं। माउंट आबू का जो वन्य जीव अभयारण्य जो है वो इस इतने एरिए के अंदर फैला हुआ है, जहां पर वन्य जीव तो है ही हैं साथ में दुर्लभ पौधे भी हैं। इस अभयारण्य की स्थापना 1960 में हुई थी। अभयारण्य में जंगली जानवरों के अलावा जंगली गुलाब और काराग्रास सिर्फ माउंट आबू के जंगलों में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 250 तरह के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें 155 तरह के स्पेशल बर्ड भी माउंट आबू में ही पाए जाते हैं। माउंट आबू के जंगलों में पैंथर और भालू समेत कई और वन्य जीव भी रहते हैं, लेकिन यहाँ भालुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। अधिकारियों के अनुसार माउंट आबू के जंगलों में 300 भालू हैं। लॉकडाउन में खाने की तलाश में ये कई बार सड़कों पर और कॉलोनियों में पहुँच गए थे और जो अभी भी पहुंच जाते हैं। पहले भी आबादी क्षेत्र में काफ़ी भालू दिख चुके हैं। माउंट आबू की सड़कों पर आसानी से भालू दिख जाते हैं। इसके पहले भी कई बार यहाँ के लोगों का भालुओं के साथ आमना सामना हो गया। ज्ञान सरोवर, देलवाड़ा, गुरु शिखर रोड समेत कई अन्य जगहों पर भालू चहलकदमी करते हुए दिख जाते हैं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।